मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की सरकार ने मुस्लिमों को बड़ा तोहफा दिया है। गठबंधन वाली सरकार मुस्लिमों को स्कूल कॉलेजों में आरक्षण देने के लिए कानून बनाएगी। मुस्लिम समुदाय को 5% आरक्षण के लिए कांग्रेस एनसीपी की तरफ से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर पहले से ही दबाव बनाया जा रहा था। राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने मुस्लिमों को आरक्षण के लिए प्रस्ताव लाने की पुष्टि की है। नवाब मलिक ने सरकारी स्कूलों कॉलेज में आरक्षण देने को लेकर हाईकोर्ट में मंजूरी दी थी। इसके साथ ही सरकारी नौकरी और प्राइवेट स्कूलों में आरक्षण देने पर भी गठबंधन वाली सरकार विचार करेगी। राज्य में कांग्रेस एनसीपी शिवसेना की सरकार है जिसकी नेतृत्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री नवाब मलिक ने 5% आरक्षण के प्रस्ताव लाने की पुष्टि की है। इस मसले पर नवाब मलिक और जितेंद्र आव्हाड ने क्या जानकारी दी है। आज विधान परिषद में सवाल आया था कि पिछली सरकार ने मुसलमानों को पढ़ाई में और नौकरी में आरक्षण दिया था, हाई कोर्ट में मामला जाने के बाद सरकारी शिक्षण संस्थाओं में 5% आरक्षण जारी रहे ऐसा आदेश हाई कोर्ट ने दिया था, लेकिन दिसंबर महीने में 2014 में वो अध्यादेश लैप्स हो गया। पिछली सरकार ने उसको लेके कोई कार्रवाई नहीं की। सदस्यों की मांग थी और भारतीय जनता पार्टी के सदस्य भी मांग कर रहे थे कि आरक्षण देना चाहिए। हमने ऐलान किया है कि जो शिक्षण संस्था का आरक्षण जिसे हाईकोर्ट ने मान्यता दी है उसे जल्द से जल्द कानून बना के लागू करेंगे और नौकरी और प्राइवेट शिक्षण संस्थानों का जो सवाल है उसको लेकर कानूनी सलाह मशवरा करके आने वाले दिनों में कानून बनाया जाएगा। मुझे लगता है कि अकलियतों को जो उनका हक और अधिकार है, जो कोर्ट ने भी न्यायालय ने भी हाँ कही है, वो देना चाहिए। उसमें क्या है? ऐसा ऑर्डिनेंस लैप्स करने का काम उस सरकार ने किया था जिनकी मानसिकता जाति विरोधी है, धर्म विरोधी है। ओबीसी की फाइल पिछले 3 साल से एक ही टेबल पे घूम रही है। जो सरकार ओबीसी को न्याय नहीं दे सकी वो मुसलमानों को कहां न्याय देगी? जिसका भरोसा जातपात पे है, जिसका भरोसा धर्मद्वेष पे है, वो यहाँ पे सियासत पे के कुर्सी पे बैठे थे, उम्मीद क्या रखे। ताजा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।